शर्मिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है। रिंकू शर्मा हम शर्मिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है। रिंकू शर्मा हम शर्मिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है। भारत माता की जय। और इस तरह की एक घटना कल माइन के अंदर भी हुई, जहां पर राम भक्तों को पीटा गया, और ये घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, देश में शांति रहे, महाराष्ट्र में शांति रहे। और रिंकू शर्मा जो कि एक नौजवान युवक था, उसको जिस तरह से हत्या की गई, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब युवा मोर्चे के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। और हमारी सरकार से मांग है कि इस केस को फास्ट ट्रैक पर चलाकर जल्दी से जल्दी रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। सर, महाराष्ट्र में भी एक 22 साल की लड़की की बारे में अभी रियल स्टोरी क्या है वो सबको पता है। महाराष्ट्र सरकार जिनकी जिम्मेदारी है कि ऐसी हम ये कहना चाहते हैं, अगर इस देश में प्रभु श्री राम जी का नाम या प्रभु श्री राम मंदिर के लिए अगर चंदा इकट्ठा करना और इतना भारी पड़ सकता है किसी को, किसी यंग लड़के को, अगर वो बोलता है कि जय श्री राम तो उसकी हत्या की जाएगी, ये कौन सा न्याय है? अगर हिंदुस्तान में रहके प्रभु श्री राम मंदिर के लिए जो चंदा इकट्ठा कर रहा है उसकी हत्या की जाती है मॉब लिंचिंग कर करके, ये कितना गलत है और कितना तकलीफदायी पूरे हिंदुस्तान में लोगों को लगा है। ये चीज़ के वजह से हम लोग यहाँ पर आए और कैंडल मार्च किए आज, और पूरा पूरी जोश में हम लोग यही मांग करते हैं सब युवाओं हिंदुस्तान के, यहाँ पर जो सिर्फ पार्टी के लोग नहीं है, यहाँ पर आने वाले समय में अगर ऐसा कोई भी घटना हुई तो ये घटना के लिए पूरा युवा, पूरे हिंदुस्तान का युवा रस्ते पर उतरेगा और उन लोगों को शिक्षा देने के लिए, फांसी देने के लिए पूरे रस्ते पर उतर के जो अगर जेल भरना पड़ेगा, पूरे हिंदुस्तान के जेल भरने पड़ेंगे तो भी जेल भर देंगे, पर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। भारत का युवा है, हाँ, ये चुप नहीं बैठेगा। अभी किधर गए? अभी वो सेक्युलर लोग किधर गए जो कोई भी आउटबस पे आते हैं? अभी किधर है आउटबस? हम कब से सिर्फ जय श्री राम, हमारे प्रभु श्री राम का नाम लेने पे एक बेचारे युवा को उन्होंने ऐसी बुरी तरह मारा, उसके परिवार वालों को मारा, ये हम सहन नहीं करेंगे, हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप, अगर रिंकू शर्मा को जल्द से जल्द फांसी नहीं हुई तो हम लोग रिंकू शर्मा की हत्यारों को अगर जल्द से जल्द फांसी नहीं हुई तो हम लोग रस्ते पे उतरेंगे, और रस्ते पे उतर के जितने अगर हम लोग के ऊपर कितनी भी कार्रवाई की, हमारे पास लाठी चार्ज भी हुआ तो भी हम लोग चुप बैठेंगे नहीं, हम लोग रस्ते पे उतर के उनके हत्यारों, रिंकू जी शर्मा जी के हत्यारों को फांसी देने के लिए हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। की अवार्ड वापसी गैंग कहाँ पर गई? अभी कहाँ पर गए?